अगर आपके पास भी जो है टेक्नो का मोबाइल है और टेक्नो का फ़ोन है और आपके फ़ोन में जो है बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं, बार बार एड्स आते हैं, तो आप लोग कैसे एड्स को बंद कर सकते हो अपने फ़ोन में, वो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसमें आपको आ जाना है। सेटिंग को मैंने ओपन कर लिया, मैं आपको जो जो सेटिंग बताऊं दोस्तों वो सेम टू सेम सेटिंग आपको आपकी फ़ोन में कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लिया। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको नीचे आना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा दोस्तों ऐप्स के नाम से, और आपको जो जो सेटिंग आपको नहीं मिले, क्योंकि आपके फ़ोन हो सकता है अदर कंपनी का हो, तो जो जो सेटिंग आपको नहीं मिले उस सेटिंग का नाम आप लोग यहाँ पर सर्च करके भी यहाँ पर जो है उसको फाइंड कर सकते हो। सर्च करोगे तो वो सेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में जो ऐप्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है ऐप्स पर। उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिख रही है नीचे स्पेशल ऐप एक्सेस, ऊपर नीचे आपको दिख सकता है कहीं भी आपके मोबाइल अदर कंपनी का हो सकता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पेशल ऐप एक्सेस का ऑप्शन या फिर स्पेशल ऐप परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा होगा दोस्तों कि आप लोग जब भी कोई भी गेम खेलते हो या कुछ भी ऐप चलाते हो तो उसके ऊपर जो है एकदम से ऐड आ जाता है, तो वो इसी वजह से आता है, उसको आप लोग यहीं से बंद कर सकते हो क्या। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जिन भी ऐप्स को आप लोग कम यूज़ करते हो, मतलब आप लोग जिन भी ऐप्स को या तो यूज़ नहीं करते मतलब कम यूज़ करते हो, उनमें आपको ये वाली सेटिंग करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स है जो परमिशन आपने उनको अलाउ कर रखे हैं उनको आपको डिनाई करना है। सपोज यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक ऐप ले लेता हूँ जिसको मान लो कि मैं कम यूज़ करता हूँ, जैसे ये वाला जो गेम्स का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उसको मैं जो है कम यूज़ करता हूँ, तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिन भी ऐप्स को आप लोग कम यूज़ करते हो उन पर आपको क्लिक करना है, और ये वाली परमिशन यहाँ से डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको सभी ऐप्स में करना है जिनको आप लोग कम यूज़ करते हो। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में जब भी आप लोग किसी ऐप को चलाते हो उसके ऊपर जो एड्स आते हैं वो जो है एड्स आना ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहली सेटिंग आपको ये करनी है। दूसरी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको फिर से बैक आना है। तो पहली सेटिंग तो यही जी आपको कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी सेटिंग की। तो दूसरी सेटिंग क्या है, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में फिर से जो है ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है फिर से वहीं पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐप मैनेजमेंट का या फिर ऐप लिस्ट का दोस्तों, तो आपको ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप लिस्ट दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर दिख रहा है थ्री लाइन यहाँ पर थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको दिख रहा है शो सिस्टम यहाँ पर शो ऑल ऐप्स दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि सारे ऐप्स आपके फ़ोन में होंगे वो सभी यहाँ पर जो है दिख जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऐसा एप्लीकेशन ढूंढना है जिनका जिसका जो है ना तो नाम होगा ना लोगो होगा, आपको उसका कोई भी लोगो वगैरह ना नहीं दिखेगा और ना उसका कोई नाम होगा, तो वो आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। उसको ढूंढने का एक सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो डार्क मोड है यहाँ से डार्क मोड आप लोग इसको ऑन कर लोगे, जैसे ऑन कर लोगे डार्क मोड को तो वो आपको ईजिली यहाँ पर दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डार्क मोड को ऑन कर लिया, अब आप लोग यहाँ से उसको ढूंढोगे तो आपको ईजिली यहाँ पर जो है मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा यहाँ पर जिसका ना तो दोस्तों नाम होगा लिखा नाम और ना उसका लोगो होगा, तो आपको यहाँ से ढूंढ के उसको अनइंस्टॉल कर देना, अगर आपका है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि वो उसकी वजह से जो है सारे फ़ोन में एड्स आते हैं, क्योंकि अगर आप लोग उसको जो है डिलीट नहीं करोगे या अनइंस्टॉल नहीं करोगे अगर है तो अपने फ़ोन में, तो उसके बाद भी आप लोग चाहे कितनी सेटिंग कर लो वो जो है एड्स बंद नहीं होंगे। तो आपको उस ऐप को ढूंढ लेना जिसका ना तो नाम दिखेगा आपको यहाँ पर ना लोगो होगा, तो उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना। अनइंस्टॉल कैसे करना, सपोज ये वाला मुझे जो है ये वाला वो ऐप है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन दिखा देगा, जैसे दूसरे ऐप में दिखाता हूँ इसमें नहीं है, यहाँ पर दिखा देगा अनइंस्टॉल का ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर देना। तो दूसरी सेटिंग आपको ये करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखता है बिना लोगो बिना नाम का तो उसको दोस्तों अनइंस्टॉल आप लोग कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो दो सेटिंग मैंने आपको बता दी, तीसरी की बात करते हैं। अब तीसरी सेटिंग क्या करना है, आपको फिर से मोबाइल की सेटिंग में आना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है नीचे आना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा गूगल के नाम से, जो गूगल पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग गूगल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो एड्स जो है गूगल भेजता है, जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा आप लोग जो है कुछ भी है गूगल पर सर्च करते हो तो आपको फिर जो है उसी प्रकार के जो है एड्स जो पर दिखाता रहता है स्क्रीन पर गूगल, मतलब आप लोग कुछ भी सर्च करोगे गूगल पर तो उसी प्रकार के आपको एड्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, उन एड्स को यहाँ से आप लोग ब्लॉक करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर जो एड्स का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो एडवर्टाइजिंग आइडिया वो आपको यहाँ से जो है डिलीट कर देनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी जो आईडी है इसको डिलीट कर देना, जिससे कि गूगल आपको एड्स ना भेज पाएगा भेज नहीं पाएगा। अब ये तो सेटिंग आपने कर ली, उसके बाद आपको एक और सेटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। क्या करना है आपको, यहाँ पर दिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है एक ऑप्शन डाटा एंड प्राइवेसी का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला माई एड सेंटर का, ये दोस्तों आपका ऑन हुआ होगा तो आपको इसको यहाँ से बंद कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना है माई एड सेंटर पर, उसके बाद ये आपकी सेटिंग यहाँ से ऑन हुई होगी तो इसको भी आपको बंद कर देना है, जिससे कि गूगल आपको किसी भी प्रकार का एड ना भेज पाए। आपको दिख रहा है ऊपर पर्सनलाइज एड्स, ये दोस्तों आपका ऑन हुआ होगा टर्न ऑन, तो इसको आपको यहाँ से टर्न ऑफ कर लेना है। ऐसा आपको दिखाई देगा, जैसे देख सकते हो नॉन, तो इसको आपको यहां से ऑफ कर देना है। तो मैंने आपको ये 3-4 सेटिंग बता दी आपको कर लेनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी सेटिंग की। अब चौथी सेटिंग आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मैंने क्रोम को ओपन कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों भी, क्योंकि आपको जो है क्रोम में भी काफ़ी ज़्यादा एड्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ उनको कैसे ब्लॉक कर सकती हूँ। अब मैंने क्रोम को ओपन कर लिया, क्रोम को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, राइट साइड में यहाँ पर एक ऊपर एक एरो का एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दिखाई देगा सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन आ रहा है, तो आपको नीचे आना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा साइट सेटिंग्स के नाम से, देख सकते हो साइट सेटिंग्स, तो आपको साइट सेटिंग्स में आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको नीचे आना, देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हो इंट्रेसिव एड ये वाला ऑप्शन दिखा देगा, इंट्रेसिव एड्स या फिर एड्स के नाम से या फिर इंट्रेसिव एड्स के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों ये वाली सेटिंग आपकी ऑन हुई होगी, मतलब इसका ये है कि अगर आप ये आपकी जब ऑन रहेगी तो आपको जो है, आप लोग जब भी किसी वेबसाइट में जो है कुछ भी करोगे, वेबसाइट को ओपन करोगे, तो आपको वहाँ पर जो है एड्स शो करेगा, तो ये आपको जो है यहाँ से बंद कर देना, जिससे कि आपको वेबसाइट वगैरह में जब भी आप लोग कुछ भी गूगल पर सर्च करो, कोई वेबसाइट ओपन करो, तो आपको एड्स वगैरह वहाँ पर दिखाएगा नहीं, अगर आप लोग इसको बंद कर देते तो। इसको भी आपको जो बंद कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद करते हैं पॉपअप एंड रिडायरेक्ट्स पर आपको क्लिक करना है, और ये इसको भी आपको बंद कर देना है, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। आपको क्या करना है, पॉपअप एंड रिडायरेक्ट्स इसको ओपन जो बंद कर देना है। आपने देखा होगा काफ़ी जो है पॉपअप एड्स भी आपको देखने को मिलते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो वो सारे यहाँ से जो है ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। तो इतनी सेटिंग आप लोग कर लोगे तब आपके फ़ोन में जो है एड्स बिल्कुल नहीं आएंगे। और दोस्तों काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे जो है फिर भी एड्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें तो एड्स आते ही हैं। जैसे यूट्यूब है, आप लोग यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखोगे तो यूट्यूब में तो एड्स आएगा ही भाई। तो यूट्यूब का पार्टिकुलर एड्स करने बंद करने का अलग तरीका होता है, मतलब आपको उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग बंद कर सकते हो। ये वाली सेटिंग कर लोगे तो आपके फ़ोन में जो बार बार एड्स आते हैं, पॉपअप एड्स वगैरह मैंने जितने बताए, वो सभी एड्स आना जो है दोस्तों बंद हो जाएंगे।